ग्रामर का स्पेलिंग तो पता हो? हाँ पता, जी आर एम ई आर। ग्रामर का स्पेलिंग तो पता हो? हाँ पता, जी आर एम ई आर। पढ़ के आए हो? पढ़े लिखे नहीं है, बिहारी है, हिंदी खाई जाते, इंग्लिश नहीं। अंग्रेजी का एग्जाम? हाँ तो अंग्रेजी का कोई भय हुए नहीं है तो एग्जाम का देंगे। अंग्रेजी का कोई भय हुए नहीं है तो एग्जाम का देंगे। क्या प्रोनाउन का डेफिनेशन? अरे वो सब मत पूछिए मेरे को, बस पास। कंसोनेंट कितना होता है? कंसोनेंट और जो भी हो। चुप, अरे मेरे को अब इंटरव्यू नहीं देना, बस बहुत है। बोवेल तीन 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 कौन कौन सा? नॉन प्रोनाउन यही लंदपन है और क्या। नॉन प्रोनाउन यही लंदपन है और क्या। बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है, देश को संभालना है। देश को संभालना है, खुद को संभाल लिए? हाँ बिल्कुल। आईब्रो काट के चल रहे हो क्या? आपको अच्छा लग रहा है? शेडिंग करना है क्या? याद नहीं कि ये नाउन इज द नेम पर्सन होता है, सब प्रोनाउन 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 के बारे में नहीं होता, नाउन के बारे में पढ़े हैं। प्रोनाउन ये होता है, क्या बोले, नाउन क्या होता? अब हम क्या बताए, पढ़े नहीं किए हैं तो इंग्लिश में पढ़े नहीं किए। नहीं पढ़े हो भाई तो लिखोगे कैसे फिर? ऑब्जेक्टिव मार देंगे गलत सही सही। सब्जेक्टिव कैसे लिखोगे? लिख देंगे एबीसीडी, लिख देंगे एबीसीडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निभा सिंह। 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, अभी हम रविंद्र बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद है। बच्चों से जानते हैं कि किस चीज का पेपर है, पेपर देने जा रहे हैं बच्चे। इंग्लिश का पेपर था, कैसा गया पेपर आप? बढ़िया गया। बढ़िया गया क्या? इंग्लिश आप लोग को बुझाता है? बुझाता है। अंग्रेजी बुझाता है? कॉन्सोनेंट कितना होता है जानते हैं? कॉन्सोनेंट कितना? कितना होता है? 21। 21 होता है। और वॉवेल कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है। कौन कौन सा होता है? AEIOU। क्या कुछ न कुछ होबे करो तो इधर इधर आइए। नाउन नाउन इज द पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग। प्रोनाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्रोनाउन है। प्रोनाउन ये होता है, क्या बोले, प्रोनाउन क्या होता? अब हम क्या बताए, पढ़े नहीं किए हैं तो इंग्लिश में पढ़े नहीं किए, इंग्लिश नहीं पढ़े। अच्छा तो नहीं पढ़े हो भाई तो लिखोगे कैसे फिर? ऑब्जेक्टिव मार देंगे गलत सही सही। गलत सही मार दो। हाँ। सब्जेक्टिव कैसे लिखोगे? लिख देंगे एबीसीडी, लिख देंगे एबीसीडी। एबीसीडी अंग्रेजी बुझाता है कि नहीं? नहीं बुझाता। नहीं बुझाता है तो कैसे काम चलेगा? हो जाएगा, हो जाएगा। 300 को मार देगा तो निकल जाएगा। 50 गो से 300 को मार देगा तो निकल जाएगा। बस निकलने से मतलब है, निकल जाए बस, पास हो जाए। हाँ बस। आगे क्या करना है? क्या करना है जो रिजल्ट? बच्चे को बस निकलने से मतलब है, किसी तरह पास हो जाए भाई। पास होने से मतलब है? नहीं मैम। पास हो जाओगे तो काम चल जाएगा? नहीं। परसेंट उठाना है। परसेंट कितना लाना है? कम से कम 90। 90। हाँ। प्रोनाउन जानते हो? है प्रोनाउन? प्रोनाउन हाँ, स्वनाम होता है, कुछ होता है, स्वनाम होता है, यही सब होता है। तो अंग्रेजी में बताओगे, डेफिनेशन बताओ। याद नहीं कि ये नाउन इज द नेम पर्सन होता है, यही सब प्रोनाउन 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 के बारे में नहीं होता, नाउन के बारे में पढ़े हैं। वर्ड तो पता होगा, भर्ब। भर्ब मतलब क्रिया होता है। क्या डेफिनेशन बताओ? डेफिनेशन तो उतना पता नहीं है। आगे क्या करना है? बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है। हो का है? बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है, देश को संभालना है। देश को संभालना है, खुद को संभाल लिए? हाँ बिल्कुल। आईब्रो काट के चल रहे हो क्या? आपको अच्छा लग रहा है? सेटिंग करना है क्या? क्या सेटिंग करना है क्या उनसे? सेटिंग नहीं करना है, तुम करियर पे ध्यान दो ना, फिर ये आईब्रो क्यों काट रहे हो? मेरे को बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है। जाम कैसा गया तुम्हारा? एकदम मस्त, ठीक ठाक। प्रोनाउन का डेफिनेशन जानते हो? हाँ प्रोनाउन का डेफिनेशन? अरे वो सब मत पूछिए मेरे को, बस पास। कंसोनेंट कितना होता है? कंसोनेंट और जो भी हो। चुप, अरे मेरे को अब इंटरव्यू नहीं देना, बस बहुत है, ठीक है। भावेल भावेल बता। भावेल तीन 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 कौन कौन सा? नॉन प्रोनाउन यही लंदपन है और क्या। क्या नाम है भाई? शुभम। शुभम एग्जाम हो गया या जा रहे हो? जा रहे हैं। जा रहे हो, तैयारी कैसा अंग्रेजी का? अच्छा है। अंग्रेजी का एग्जाम? हाँ तो अंग्रेजी का कोई भय हुए नहीं है तो एग्जाम का देंगे। अंग्रेजी का कोई भय हुए नहीं है तो एग्जाम का। कैसे दोगे एग्जाम? कैसे दोगे? हाथ से। हाँ तो पढ़ के आए हो? पढ़े लिखे नहीं है, बिहारी है, हिंदी खाई जाते, इंग्लिश नहीं। तो अंग्रेजी फिर एग्जाम है अंग्रेजी का, कैसे दोगे अंग्रेजी का एग्जाम? दोनों बंद करेंगे, कलम से रगड़ देंगे। क्या लिखोगे? एक मिनट। अंग्रेजी का सवाल जब पूछा जाएगा तो अंग्रेजी समझ में आता है? बिहार में अंग्रेजी का वैल्यू ही नहीं तो लिख कर क्या करेंगे? अंग्रेजी का वैल्यू है? नहीं है। वैल्यू है,
वैल्यू है ना? वैल्यू है। कैसे काम चलेगा? कैसे भी चलेगा और क्या? अंग्रेजी बुझाता है? बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ बुझाता है। आता है, आता है, आता है। क्या क्या था आज सवाल, कौन कौन सा पूछा जाएगा? अब अंदरा जाएंगे तभी ना पता चलेगा क्या क्या पूछेंगे। आपका सेकंड सीटिंग है, फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम हो चुका है, उसका क्वेश्चन पेपर देखे हैं? किस गन्ना है, इंग्लिश का कहे देखे, हिंदी का देखते हैं, मातृभाषा सिर्फ हिंदी, संस्कृत आइएगा कल पूछिएगा। ग्रामर बुझाता है? यस मैम। ग्रामर नहीं मैम, नहीं बुझाता है। ग्रामर का स्पेलिंग तो पता हो? हाँ पता, जी आर एम ई आर, जी आर ई एम ई ए आर। आप बताइए ग्रामर का स्पेलिंग तो जानते हो? हाँ जानते हैं, जी आर ए एम ई आर। आप बताइए? जी आर ए डबल एम ई आर। ग्रामर व्याकरण, व्याकरण हिंदी में आता है। ग्रामर मीनिंग बोले, ग्रामर जी आर ए डबल एम ई आर, ग्रामर जी आर ए डबल एम ई आर, ग्रामर। ये सब कहाँ पूछ रहे मैडम? छोटा छोटा पूछ रहे मैडम, छोटा।